स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और 18 बी एक्सरसाइज जो है वो मीडियन के ऊपर है। तो मीडियन क्या होता है, देखो अगर एक सीरीज़ में नंबर्स को हम जो है अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, तो अगर यहाँ पे ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है, 7 बच्चों को यहाँ पे खड़ा हुआ किया हुआ है, तो अब ये 7 में से जो मिडिल वाला है ना, ये मिडिल वाला यही जो है मीडियन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूलेज है, ये अगर 9 होता तो बीच में जो है किसी भी साइड से 5th वाला मीडियन हो जाता, अगर 11th होता तो आपका 6th वाला जो है किसी भी तरफ से मीडियन हो जाता, चाहे दाहिने से चाहे बाएं से, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, क्वार्टर में होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 फॉर्मूलेज आपको देखने को मिलेंगे, एक जब गिनती ऑड होगी, तो ऑड वाली ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑड वाले में देखो एन नंबर ऑफ टर्म्स गिन लोगे प्लस 1 अपॉन में 2 कर लोगे, तो जो भी टर्म आएगा वही टर्म क्या हो जाएगा, मीडियन। लेकिन अगर इवन दिया हुआ है तब क्या करोगे, तो इवन के लिए सबसे पहले 1/2 लगा देना, फिर उसके बाद एन बाई टू इवन रहेगा ही, अब प्लस एन बाई टू प्लस 1 है ना, ये वाला जो टर्म रहेगा, ये दोनों टर्म का बीच में वो वाला टर्म आएगा, यानी मीडियन वाला टर्म कहाँ आएगा, एन बाई टू और एन बाई टू प्लस 1, ये दोनों टर्म में के बीच में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बता दे रहे हैं, 7 के बजाय मैंने यहाँ पे एक और बच्चा खड़ा कर दिया, ठीक, ये मेरा बच्चा नहीं है, 8 हो गया। अब इन दोनों के बीच में जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीच में n/2 + n/2 + 1 क्या आएगा, अब बाहर में 1/2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1/2 तो बाहर रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे n/2 8/2 कितना आएगा, 4th, अब प्लस 4th और 5th, तो 4th और 5th इन दोनों का जो हाइट होगा उसका हाफ वे करेंगे, तब जब है उसका हाफ करेंगे तो पता चलेगा हमें कि मीडियन कौन सा है। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपने 18 बी के। अब यहाँ पे दिया हुआ है तुमको, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 2, 3, 5, 7 और 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पे n निकालना होगा पहले, 1, 2, 3, 4, 5, n इज इक्वल टू 5। अब ये ऑड है तो ऑड वाले का फॉर्मूला मैंने बताया ना, ऑड के लिए क्या लगेगा, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2, यानी कि 5 + 1/2 यानी 6/2, यानी कि थर्ड टर्म, थर्ड कौन है, 1, 2, 3 यानी कि 5, कौन हो जाएगा मीडियन, मीडियन हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, 23, 28 और 32 दिया हुआ है। अब यहाँ पे n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब यहाँ पे n इक्वल टू 8 है, तो मीडियन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 वाले में, तो देयरफॉर मीडियन जो होगा विल बी इक्वल टू मीन, किसका मीन, n बाई 2 का और साथ में n बाई 2 प्लस 1 का, इन दोनों का मीन, तो यानी कि 1/2 n बाई 2 मतलब 8/2 + 1 कितना आ रहा है, हाफ करना है 4th का प्लस 4 और 1 5th का, ठीक है। तो 1/2 करेंगे, 4th नंबर पे कौन है, 16 है, और 5th नंबर पे 20 है, तो हाफ 16 + 20 कितना आएगा, 1/2 × 36 यानी 18, तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन आ गया तुम्हारा 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड, अभी देखो थर्ड में क्या है ना, थर्ड में तुमको अरेंज करना है 60, 33, 63, 61, 44, 48, 51,
अब पहले फोर वाले से भी पहले थ्री वाला आ रहा है ना। इस तरह से जल्दी जल्दी करते हैं ना, तो पहले थ्री वाले में सिर्फ 33, फिर फोर वाले में 44 पहले, 48 बाद में, फिर फाइव वाले में 51 और सिर्फ 66 वाले में तीन है, तो पहले 60 फिर 61 फिर 63, ठीक है, या 51। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना है, 7 है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू, अगर 7 है, ऑड है ना, कैसा है ये, ऑड है, तो इवन ऑड आपकी मर्जी, आप लिखो ना लिखो, तो देयर फोर मीडियन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू n प्लस 1/2, यानी कि 7 प्लस 1/2 यानी 8/2, यानी कि फोर्थ। फोर्थ कौन है भाई, इसमें जिसमें अरेंज कर लिया, 1 2 3 4, यानी कि मीडियन इक्वल टू 51। मीडियन कितना आ जाएगा हमारा, 51। फोर्थ टर्म कौन है, 51। इसके बाद क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं। अच्छा, इसमें भी देखो यार, दो दो बार लिखने से अच्छा है ना मैं डायरेक्टली अरेंज कर लूँ, है ना, यहीं पे। तो फोर्थ वाला 13 22 25 8 11 19 17 31 16 10, सिंगल नंबर में बस एक ही है 8, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। फिर उसके बाद 10 वाले सीरीज़ में सिर्फ 10 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 16, फिर 17, फिर उसके बाद एक और है 19। अच्छा, इसके बाद कोई है, दो वाले में, हाँ 22 25, तो 22 पहले 25 बाद में, और इसके बाद कोई है, तो बस तीन वाला 31 है, क्या तीन वाला सीरीज़ है ना, 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 20 से 30 30 से 40, ऐसे दिखते चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन इज इक्वल टू 10, कैसा है ये, इवन है। इवन के लिए मीडियन कितना हो जाएगा, इक्वल टू हाफ n/2 + n/2 + 1, ठीक है, इतना जो टर्म आएगा, यानी कि 1/2 10/2 + 10/2 + 1, यानी कि 1/2 5th + 6। अब ये 6th कैसा आ रहा, 5 तो आ ही गया, 5 + 1 6, ठीक, तो 1/2 फिफ्थ नंबर पे देखो कौन है, फिफ्थ नंबर पे 16 है, 6th नंबर पे 17 है, ठीक है, तो 16 + 17 यही, तो नहीं 16, वो 6 लिख तो दिया टी एच, अब क्यों लिखना है, 17 16 कितना होता है, 7 6 13 33, तो 1/2 33, तो 32 का आधा 15 और 1 का आधा 16.5 है ना, 16.5, ये हो गया तुम्हारा मीडियन। फिर उसके बाद एक और दिया हुआ है, क्या कह रहा, प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 एंड 80। अब इसके लिए प्राइम नंबर भी जानना ज़रूरी है, 51 से 80 के बीच में। अच्छा, उससे पहले है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, ओहो, तो पहले 10 प्राइम नंबर लिख लेते हैं। 1 तो है नहीं, 2 से शुरू होगा, है ना, 2 3 5 7 11 13 17, है ना, और उसके बाद 19 आएगा सीधे, 18 तो कटता ही है, उसके बाद 19 के बाद 21 22 23 23, के बाद 24 कटेगा, 25 26 27 28 29, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब इनका हमको मीडियन निकालना है, तो मीडियन इज इक्वल टू, अभी n बराबर 10 है ना, तो यहाँ पे मीडियन हो जाएगा 1/2 n/2 + n/2 + 1, यानी 1/2 10/2 + 10/2 + 1, कितना हुआ, 1/2 5th + 6th, तो 1/2 5th का मतलब 11 है और 13, 11 + 13 कितना आएगा, 1/2 × 24 यानी कि 12, ये हो गया हमारा मीडियन। अच्छा, इसके बाद एक और है, वो है 51 से 80 के बीच में, क्वेश्चन नंबर 6 है।
अभी यहाँ पे क्या कह रहा, प्राइम नंबर बिटवीन 51 एंड 80, तो 51 से 80 के बीच में 52 कटेगा, 53 नहीं कटेगा, 54 कटेगा, 55 कटेगा, 56 कटेगा, 57 58 59 किसी से नहीं कटेगा, 60 61 किसी से नहीं कटेगा, 62 63 कटेगा, 64 65 66 67 किसी से नहीं कटेगा, 67 70 78 भी 1300 कट जाएगा, 23 69 है ना, 70 71 नहीं कटेगा किसी से, 72 73 नहीं किसी से कटेगा, 74 75 76 77 78 89 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 चलो भाई बहुत अच्छा है, n इज इक्वल टू 7 तो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई टूथ टर्म, ऐसे लिख लो पूरा, तो यानी कि 7 प्लस 1 बाई टूथ टर्म यानी कि 8 बाई टूथ टर्म यानी कि फोर्थ टर्म यानी कि फोर्थ कौन है, 67। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, फॉलोइंग टेबल गिव्स द मंथली इनकम ऑफ 12 फैमिलीज इन अ टाउन, 12 फैमिली का यहाँ पे इनकम दिया हुआ है टाउन के अंदर। आपको क्या करना है, आपको बताना है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द अबव इनकम, इनकम ये है, ये रहा इनकम है ना, इसका मीडियन आपको निकालना है, तो इसका मीडियन निकालने के लिए पहले इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे पहले 75, फिर 75, फिर 80 है, फिर 94, 96, 98, फिर 100, फिर 104 आएगा, 180, फिर 200 है, और फिर है 280 और 600, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कॉमा है, 12 हो गई, ये 12 फैमिलीज की इनकम हमने अरेंज कर ली है, एन इजक्ल टू 12 है, तो मीडियन इजक्ल टू क्या हो जाएगा, 1/2, डायरेक्ट लिख दें बिना फॉर्मूले के, कैसे आसान होता है ना थोड़ा लिखना, 1/2 12/2 + 12/2 + 1 कितना आएगा, 1/2 6th प्लस 7th यही है ना, 6 2 12 8 7 आएगा, तो 6th नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 98 और 100, कितना आ गया, 1/2 × 198, 2 9 जा 9 जा यानी मीडियन कितना आ गया, 99 सॉरी सेकंड हो गया, थर्ड वाले में है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, अब इस डेटा में से मीडियन कैलकुलेट करना है, कि यहाँ पे वेजेस दिया हुआ है और दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वर्कर है ना, कितने कितने वर्कर हैं उनके हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो इस वाले में क्या करेंगे हम, इस वाले में हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, दिखाते हैं आपको, एक कर लेंगे तो बाकी सारा हो आपको हो सकता है मे बी आसान लगे, उम्मीद करते हैं हम। यहाँ हमने वेजेस लिख लिया, 20 21 22 23 24 25 26 27 28, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर 8 10 11 16 20 25 15 9 और ये 6।
अब इसमें क्या करना होगा ना आपको, आपको CF निकालना होगा, ठीक है। तो CF निकालोगे आप पहले, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो पहला 8, फिर 10 को जोड़ के 18, 11 29 और फिर 16 45, फिर 20 65, 25 90, 15 105, 9 114, अच्छे 120, कितना आ गया 120। अब यहाँ पे ये जो 120 आया है इसको पूरा ऐड करते तो भी 120 ही आता, ठीक है, कोई नहीं। और वही एन होता है, नंबर ऑफ वर्कर फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे ही एन निकलता है। इसकी ज़रूरत क्या है वो अभी बताते हैं। पहले तो यहाँ एन इजक्ल टू आ गया 120, ठीक है, तो देयर फोर मीडियन कितना होगा, मीडियन होगा तुमको यहाँ पे एन बाई टू टर्म, यानी कि 120 बाई टू कितना आ जाएगा 60th, है ना, 60th टर्म। अब ये 16th टर्म कहाँ लाई करता है, 60th, ओके। तो यहाँ देखते हैं 45 से के बाद ही आएगा 60, 45 के बाद आएगा 60 और 65 के अंदर ही छुप जाएगा, है ना। ये 45 के ऊपर का और ये 65 तक का पूरा लेके बैठा है, यानी यही वाली क्लास है, इसी में तुम्हारा 60 छुपा हुआ है ना, मीडियन वैल्यू इसी में है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, किस वाले वेज पे आ रहा है, ये वेज पे आ रहा है 24 वाले पे, है ना। तो यहाँ पे लिख लोगे कि 60th लाइज बिटवीन 45 एंड 65, देयरफॉर ऑफ CF कॉलम, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 24। ऐसे में यही करना है, CF निकालना है, CF में n बाई टू करना है, अगर ऑड आएगा तो n प्लस 1 बाई टू करना है, और करके देखना है कि किस वाले में CF में फॉल करता है, उसके सामने वाला जो दिया रहेगा आपको, वेज हो साइज हो जो भी दिया रहेगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चंस हैं, तरीका तो सेम है, एक्स 3 8 10 12 16 14, एफ 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, सी एफ 2 5 9 14 20 27। अब यहाँ पे कितना आ गया, ऑड आ गया, है ना। ऑड वाले में मैंने बताया ना एन इजक्वल टू 27, तो मीडियन कितना हो जाएगा एन प्लस 1 बाई टू, यानी 27 प्लस 1 बाई 2, यानी 28th। तो 28 कहाँ लाई करेगा, अरे कहाँ है हम, 28 बाई 2 14th, तो 14th कहाँ लाई कर रहा है, तो 14th एग्जैक्टली यही लाई कर रहा है, ये वाला CF में यहाँ है, तो इसके सामने वाला X यानी कि 12, देयरफॉर मीडियन इज 12, ठीक है। ऐसे ही B वाला कर लेते हैं, इसका X F 1 2 6 9 11 8 5 4। ओहो, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया ना, यहाँ पे जो X है वो तुम्हारा रेगुलर वे में नहीं दिया हुआ है, और अरेंज किए बिना हम निकालेंगे नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, X को अरेंज करेंगे। तो चलो पहले X को अरेंज करते हैं, तो 1 2 4 5 6 8 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 2 तो 4 पीछे 2 8, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, 5 7 19 17 9 15 17 9 15 फिर 11 फिर 13, ठीक है, अरेंज होते हुए हो गया। अब क्या निकालना है, सी एफ
पाँच, 5 में 7 ऐड किए 12, 12 में 19 ऐड किए 31, 31 में 17 ऐड किए 48, में 9 ऐड किए 57, में 15 ऐड किए 57, 5 62, 10 72, 11 83, 83 3 96, अरे 83 3 86 10 96। अच्छा अब यहाँ पे n कितना है 96, तो देयरफॉर मीडियन कितना हो जाएगा n बाई 2, 96 बाई 2 कितना आया 48, 48 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है ठीक। इसके सामने x कौन है 5, तो मीडियन कौन हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मार्क्स ऑब्टेंड बाय 38 स्टूडेंट आर गिवन बिलो, ठीक है 38 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, कैलकुलेट द मीडियन मार्क्स 20 90 70 50। अब इसको भी पहले अरेंज ही करना पड़ेगा, कोई नहीं इजी हुआ है अरेंज करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे मार्क्स हैं तो पहले मार्क्स को ही अरेंज कर लो, सबसे पहला 20 आएगा, 20 के बाद आएगा तुम्हारा 50, 50 के बाद आएगा तुम्हारा 60, 60 के बाद आएगा तुम्हारा 70, फिर 90, फिर 95। ये मार्क्स तुमने अरेंज कर लिया, अब मार्क्स के हिसाब से तुमको फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। तो 20 वाले के सामने कितना है 4 है, 50 वाले के सामने 8 है, 60 वाले के सामने 6 है, 70 के सामने 10, 90 के सामने 5 और 95 के सामने भी 5। के यहाँ पे अब सी एफ 4 8 4 12, 12 8 और नहीं 12 6 18, 28, 5 33, 5 38। तो एन कितना आया 38, मीडियन कितना हो जाएगा एन बाई 2 यानी 38 बाई 2 यानी कि 19 कहाँ फॉल कर रहा है इसमें 28 में, 18 से ऊपर ही आता है ना तो 28 वाले में ही फॉल करेगा, तो इसके सामने मार्क्स कौन से हैं 70, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 70 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड शो दैट इट इज इक्वल टू देयर मीडियन। ओहो मीन फाइंड आउट करना है और ये बताना है कि वो इक्वल है मीडियन के, मतलब जितना मीन है उतना ही मीडियन भी आएगा। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 6, 10 नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहले मीन फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन याद होगा होना चाहिए, अपॉन में 10, सबको ऐड करने पे 55 अपॉन 10 यानी कितना आया 5.5। हाँ तो अब क्या निकालना है मीडियन, मीडियन कितना होगा भैया एन इज इक्वल टू 10 है तो मीडियन इज इक्वल टू 1/2, हाफ वे किसका फिफ्थ और सिक्स्थ का, कोई नहीं पहले वही लिख लेते हैं n/2 + n/2 + 1 यानी 1/2 n/2 यानी कि 10/5 + 10/5 + 1 कितना आ जाएगा 1/2। ओहो n बाई 2 लिखना था, 10/5 लिखा है मैंने, n/2 तो फिफ्थ प्लस ये 5 + 1 = 6, फिफ्थ नंबर पे भाई 5 ही आता है ना, और सिक्स नंबर पे 6 ही आता है नेचुरल नंबर में, 1/2 × 11 कितना आया 5.5। तो मीडियन इज इक्वल टू मीन, ठीक है। Hence,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहां पे टीरू फॉल्स दिया हुआ है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग वैल्यू। ना भैया, ये तो मोड बता दिया तुमने, ये फॉल्स हो गया। मीडियन क्या होता है? मिडिल टर्म आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। द मीडियन ऑफ अ डिस्क्रीट अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग अ नंबर ऑफ आइटम्स इज द वैल्यू ऑफ मिडिल आइटम डाटा बिंग अरेंज इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो पूरी डेफिनेशन दे दी, बिल्कुल ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, इन अ स्कूल एग्जामिनेशन इट इज डिसाइडेड दैट एग्जैक्टली हाफ द पीपल विल पास, नेम द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी यूज्ड। आधे बच्चे पास हो जाएंगे, तो भैया आधे बच्चे पास हो जाएंगे तो कौन सा मेजर लेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का? तो मीडियन। क्या लेंगे हम? मीडियन, क्योंकि मीडियन ही है जो कि पूरा अरेंज करके आपको मिडिल टर्म दे देगा, है ना, आधे बच्चे पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन में है 1, 2, 3, 6, 8 इज अ सेट ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर हुज मीन इज 4। इसका मीन कितना है? 4 है, एंड मीडियन इज 3, मीडियन 3 है। राइट डाउन 2 अदर सेट ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर ईच हैविंग द सेम मीन एंड मीडियन एज दिस सेट। लो भैया, मीन तो आराम से कर सकते हो तुम। मीन के लिए मैं बताऊँ क्या करोगे? जैसे 3 के बाद तुमने ले लेना है 4, 8 के बजाय ले लेना है 9, कोई 2 चेंज कर लो, इसको एक कम कर दो एक ज़्यादा कर दो, तो मीन का मतलब यह है कि सम चेंज नहीं होगा, है ना, बस नंबर चेंज हो जाएंगे। लेकिन 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 दिक्कत किस बात की है कि मीडियन भी बार बार 3 आना चाहिए, है ना, तो यानी इसको नहीं गड़बड़ करेंगे, तो इसको 7 बना ले, इसको 9 बना ले, काम हो जाएगा मेरा। इसको 1 बना ले या फिर इसको 0 बना ले, इसको 3 बना ले, तो भी काम हो जाएगा। एक को कम करना, एक को ज़्यादा, एक को कम करना, एक का ज़्यादा करना, है ना। तो राइट डाउन 2 अदर सेट, कितना आसान है देखो। हाँ, 1, 2, 3, 6, 8 ये एक सेट तुमको दिया हुआ है, है ना। अच्छा, सम अगर इक्वल आएगा तो बार बार डिवाइड करने पे 4 ही आएगा मीन के लिए। अब मीडियन के लिए 3 हटना नहीं चाहिए, 2 इधर 2 इधर, एकदम मिडिल पोजीशन में बेचारा बैठा हुआ है। मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 1, 2, 3 मैंने सही लिखा, 6 के बजाय मैंने 5 लिख दिया, इसको एक कम कर दिया, 8 वाले को एक बढ़ा दिया। लो भैया, मीन मीडियन दोनों सेम रह गए, है कि नहीं है? बिल्कुल, मीन और मीडियन दोनों सेम रह गए। इसके अलावा मैंने फिर लिया 1, 2 और यहाँ पे 3 भी ले लिया। अब इसके बाद मैं इसको 2 कम कर दूँ, इसको 2 बढ़ा दूँ, 6 को 2 कम कर दिया 4, 8 को 2 ज़्यादा कर दिया 10। लो, अभी भी सम पूरा सेम है तो मीन सेम आएगा और बीच में 3 अभी भी है। बस कितना आसान था। ऐसे और भी पेयर बना सकते हो इन दोनों में भी कन्वर्जन करके, अभी तो खाली इसी लास्ट वाले में मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा इफ इन द डेटा द ऑब्जर्वेशन 92 इज रिप्लेस बाय 19, डिटरमाइन द न्यू मीडियन। इसको अब 2 बार करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, पहले तो अरेंज करें। अरेंज करने पे सबसे पहले आएगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई? 33, उसके बाद 35, उसके बाद 41, फिर 46, 55। अच्छा, कैसे ढूंढते हो? पहले 3 का सीरीज ढूंढो, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर क्या है 55 के बाद 58 है, 64, 77 में एक ही है, फिर 87, 90 और 92।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओहो ये तो 11 है, n इज इक्वल टू 11, तब तो मीडियन तुरंत निकाल लेंगे. मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, यानी कि 11 प्लस 1 बाई 2, यानी कि 12 बाई 2, यानी कि 6. और 6 नंबर पे कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 58 लो हो गया. अच्छा अब कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? रिप्लेस 92 बाई 19. अगर 92 को 19 से रिप्लेस किया गया तो जाहिर सी बात है अभी भी कुछ बिगड़ेगा थोड़ी, 33 से पहले आ जाएगा 19 बस, बाकी सारे वैल्यूज वैसे ही रहेंगे. 40, 46, 55, 58, 64, 77, 87 और 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 87 है ना ये, तो अभी भी तो n कितना है? 11 है. तो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, 11 प्लस 1 बाई 2, 12 बाई 2 यानी 6. लेकिन इस बार 6 कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 55. इस बार मीडियन कौन हो गया? 55 हो गया. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में है, द फॉलोइंग डेटा हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. इन सब को असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी रखा हुआ है. मीडियन अगर 35 है तो एक्स फाइंड करो. फिर 45 को 33 में बदल दिया गया, या 45 को 33 में बदल दिया गया. तो ये 45 से 33 होगा तो यहाँ आ जाएगा बस, बीच में है ना, एक्स इधर उधर खिसक जाएगा. तो अभी देख लेते हैं एक्स कितना आता है. पहले सब के सब अरेंज्ड है, देखो यार यहीं देख लेते हैं, गिन लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 है, कितना है पूरा? 10. तो क्वेश्चन नंबर 11 में n इज इक्वल टू 10 दिया है, तो मीडियन इज इक्वल टू 1 बाई 2, मीन किसका? n बाई 2 का, और साथ में प्लस n बाई 2 प्लस 1 का, यानी कि 1 बाई 2 10 बाई 2 प्लस 10 बाई 2 प्लस 1 का कितना आ जाएगा? 1 बाई 2 फिफ्थ प्लस 6. अब मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी दी है, कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है, यानी मैं यहाँ मीडियन की जगह 35 लिख दूँ. 35 इज इक्वल टू 1 बाई 2, फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5. फिफ्थ एलिमेंट 34 और x है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 34 प्लस x. 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 35 दोना 70, 34 प्लस x. तो x की वैल्यू कितनी आई? 70 माइनस 34 कितना हो गया? 35 दोना 70 होता है, तो कितना आ गया? x इक्वल टू 36, ठीक है, 36 आ गया. अभी इसमें एक और कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन क्या है? कि अगर डेटा में 45 को चेंज किया जाता है किससे? 33 से, तो आपको जो नया वाला मीडियन है ना वो पता करना होगा. फिर तो यहीं पे देखते हैं हम, इसी में आपको बता दे रहे हैं. 45 को चेंज किया गया यानी ये कट गया, तो इसके बीच में आ गया तुम्हारा 33. बस नंबर ऑफ एलिमेंट अभी भी सेम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है. x की जगह पे क्या आया है? 36. ये भी याद रखने वाली बात है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी भी देखो शॉर्टकट में कर दे रहे हैं. n इज इक्वल टू 2 ही, वो 12 ही है, 10 है. मीडियन इज इक्वल टू हाफ, वही आएगा 5th प्लस 6th जो पिछली बार आया है, सिर्फ एलिमेंट बदले हैं, नंबर ऑफ टेंथ तो सेम है. तो हाफ 5th का मतलब कौन सा हुआ? 1, 2, 3, 4, 5. 5th का मतलब 33 और 6th का मतलब 34.
कितना आ गया, 1/2, 4 × 3 = 7, 6, 1/2 × 67, 33 × 2 = 66, यानी कि 33.5। ये हो गया हमारा नया मीडियन। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 24। पहले से ही अरेंज्ड है और मीडियन दिया है 24, फाइंड करना है x। एन देखो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 में तो मेरे को पता है भाई, यहाँ पे देखो दिया है ना n = 10, तो यहीं पे शॉर्टकट में कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, कि n = 10 है, देयरफॉर मीडियन कितना आएगा। तुम नहीं करना शॉर्टकट में, तुम हाफ लिख के n/2 n+1 n/2+1 करके ही करना। मैं यहाँ डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, हाफ 5th + 6, है ना, ये आप कर लेना, आ जाएगा आपको। तो अब यहाँ पे 5th और 6th की पोजीशन पे कौन है, 5th पोजीशन पे x+2 है, 6th पोजीशन पे x+4 है, ठीक है। और मीडियन ऑलरेडी दी हुई है 24। 24 में 2 मल्टीप्लाई हुआ, 48 = 2x + 6, यानी कि 48 - 6 = 2x, यानी कि 2x = 42। ओके, यानी कि x = 42/2, यानी कि 21। तो कौन कौन सा नंबर गायब था, x+2 यानी 21 + 2 23, और x+4 यानी 21 + 4 यानी कि 25। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और इसके आगे भी आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे।